सो हम लोग आए हुए थे इस वक्त विनायक सेल और ये है, तो दो तरीके स्लीपिंग बैग हैं यहाँ पर, और वैसे तो बहुत सारे स्लीपिंग बैग हैं आप देख सकते हो। सो गाइज हम आए हुए थे इस वक्त करोल बाग, और करोल बाग में हमने सामान लिया कुछ बाइकिंग से रिलेटेड, क्योंकि लद्दाख जा रहे हैं तो बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक का सामान तो लेना बहुत जरूरी था। आपके पास क्या क्या मिल जाएगा? और पैकिंग बड़ी अच्छी है इसकी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और हमारे साथ है गुरनूर। सो गाइस, वैसे हमारा प्लान है आज कैंप खरीदने जाने का, जाते हैं पक्का, और थोड़ा बहुत काम करने का। और गुरनूर क्या कर रही तू? ये दो दिन से क्यूब सॉल्व कर रही है, और चीटिंग पता कहाँ से कर रही है? देख के यूट्यूब से, वहाँ से सीख रही है क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। सो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने सैडल स्टे लगवाया था अपनी बाइक पे, वो भी दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है वो, मैंने यूज़ किया उसे, लास्ट में लेके भी आया हम, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और आज दिन है, मतलब उस टाइम पे तो रात में लगा था तो आपको इतना दिखा नहीं पाया था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है वो, और चलते फिर कैंप लेने। नूर बेबी क्यूटी पाई, बाय बाय। तो यहाँ पर आ चुके हैं अपनी बाइक के पास अपन, ऐसी कुछ नज़र आ रही है अपनी बाइक, एक दिन में मिट्टी खा लेती है इतनी टनों में। पहले से साफ कर लेते हैं फटाफट जाने से पहले, नहीं तो हर बार की तरह गंदी रहेगी। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको सैडल स्टे कैसा लग रहा है, क्योंकि पल्सर आ रहा है इसमें तो लग नहीं पाता, बुलेट में एक टाइम पर लग जाता है, लेकिन बुलेट पर लगवाते तो उसकी एक तो कहते हैं टंकी इशू था, और लद्दाख जैसे ट्रिप पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, जब ये बद्रीनाथ जा सकती है तो लद्दाख भी जा ही सकती है आराम से। वैसे हम इसकी एक बार सर्विस और करवा लेंगे जाने से पहले, पर इसकी सर्विस करवा ली थी हमने ऋषिकेश में भी, और जब हम आगरा से जा रहे थे बद्रीनाथ तब भी करवा ली थी, तो एक बार और करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। वैसे यार मेरा मन था ना गाड़ी को पूरी मॉडिफाई करवा के लेके जाते, लेकिन मैंने सोचा यार नहीं, पहली बार जा रहे हैं, पहले कंडीशन देखते हैं वहाँ की कैसी रहती है, पुलिस वाले कैसे रहते हैं वहाँ के, क्या होता है, परेशान करते हैं नहीं करते हैं, फिर करवा लेंगे मॉडिफाई से, पर एक बार मॉडिफाई ज़रूर करवाएंगे, इसे पूरी ऐसी दिखने में लगाना देंगे कि पहचान में नहीं पाएगा कोई कौन सी बाइक है। चलते आराम से, अपन ने कोई बैग वैग नहीं लिया यार, ऐसे ले लेना चाहिए था, सामान वामान रखने का काम आता, ले लेते हैं बैग यार एक, ये फिर दिक्कत आएगी, 15 मिनट और सही। ले लिया अपन ने, इसमें सामान रख लेंगे अपन आराम से, कुछ लेना हुआ तो सारा। चलते हैं, एक तो टेंट लेना है जो मुझे पता बहुत ज़रूरी है, एक सामान और स्टिक लेने का मन था ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत सामान है छोटे छोटे, देखते हैं रात तक कवर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। 5 तो बज रहे हैं, जो हमें दूसरी शॉप पे जाना है वो 8 बजे तक खुली है, तो देखते कैसा रहता है। लद्दाख जा रही है बाइक, लद्दाख जा रही है बाइक, है वो ज़रूरी तो है लगवाना, सामान लदेगा इससे पूरा, लगवाया नहीं बनवाया है इसके लिए स्पेशल। सो अपन निकल पड़े हैं आगे, लद्दाख की राइड पे जाना, वैसे भी चलो आपको इस बार बता ही देते हैं, पर दिक्कत ये पड़ रही है कि आदित्य भाई भी जाना चाह रहे हैं मेरे साथ, और आदित्य भाई इस वक्त हैं यूपी में, अपने गांव गए हुए हैं, और वो आएंगे तो जाएंगे, और वो आएंगे नहीं तो कैसे जाएंगे। और अपन ने तो पूरी तैयारी कर ली है चलने की, आज हमारा लास्ट जो सामान है वो लेना है, उसके बाद अपन फ्री हैं, कभी भी जा सकते हैं। बात तो है यार, करोल बाग के आसपास ही ज़्यादातर सामान मिलता है हमारा, आज भी मतलब बाइक का सामान करोल बाग से ही मिलेगा, सैडल से करोल बाग से लगाता है बाइक का ही था तो चलो, और इसी के पीछे शास्त्री नगर है थोड़ा सा ही पास में, वहीं पे कैंपिंग का सामान मिल रहा है, वैसे करोल बाग में भी मिल जाता पर, लेकिन शास्त्री नगर में थोड़ा चीप मिलेगा, और डायरेक्ट होलसेलर से लेने जा रहे हैं हम तो बढ़िया भी रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, और आज वैसे यार गर्मी थोड़ी कम है तो थोड़ा सही भी लग रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है,
कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से अपन ट्रैवल कर ले रहे हैं। तो ये आ चुके हैं हम शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे, और इसके जस्ट पीछे ही मार्केट में है वो शॉप जहाँ हमें जाना है, मतलब ये वाली गली में जाना है हमें। पहुँच चुके हैं शास्त्री नगर के अंदर इस वक्त जहाँ पर वो शॉप है, तो यहाँ बता रहे हैं वो शॉप। पहुँच गए अपनी लोकेशन पे हम अपने। सो हम लोग आए हुए थे इस वक्त विनायक सेल, और ये है सो दिल्ली में शास्त्री नगर के अंदर पड़ती है जगह, मैंने आपको लोकेशन रास्ते में आते हुए दिखाई दी थी। तो दो तरीके स्लीपिंग बैग हैं यहाँ पर, और वैसे तो बहुत सारे स्लीपिंग बैग हैं आप देख सकते हो, और ये हो गया नॉर्मल वाला 750 का सबसे सस्ता, और इससे हैवी वाला मैंने लिया है यहाँ पे, ये जयपुरी रजाई है, ये -5 डिग्री तक चल जाएगा ठीक है। और ये मैट है कितने 350 का मैट है, 6 फीट लंबा है, 2.5 फीट चौड़ा है, 6 फीट लंबा है, 2.5 फीट चौड़ा है, इससे चौड़ा भी होता होगा, ये चौड़ा चौड़ाई में ये आता है, और ये बिल्कुल लाइट वेट है हमारे। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये पोंचू है मैंने आपको दिखाई दिया, और ये टेंट है, ये पॉपअप वाला टेंट है ऑटोमेटिक। सो ये 4 जनों का टेंट है, कितने का है? 1850 का नॉर्मल टेंट, 4 जनों का कितने का है? 1400 रुपये का नॉर्मल टेंट, छोटा वाला साइज का कितने का है? दो लोगों को लेते हो तो 1200 रुपये का है, उसमें डबल ले लेते हो तो 1650 रुपये का है। अच्छा, 4 लोग का 1400 रुपये का है, इसमें डबल ले 4 महीने में लेते हो तो 1850 रुपये का, फिर 6 का है, फिर 7 का टेंट जैसा हो इसमें आपको मिलेगा, मिल जाएगा ठीक है। सो टेंट की बहुत वैरायटी है, एक एक्सपेंसिव टेंट भी भाई ने लिया है इन लोगों ने, सो ये भी जा रहे हैं लद्दाख, और ये भाई भी जा रहे हैं लद्दाख ठीक है। और ये है ग्लव्स, ये लाइट है 100 रुपीज़ की, ये 350 की लाइट है, चार्जिंग लाइट है, और बैटरी बैकअप है इसमें, 2000 mAh का बैटरी है इसमें, और ये USB से चलेगा, मेरे पास बैटरी बैकअप है तो मैं उससे लगा लूँगा ठीक है। और ये मैंने ऐसी एक एंटीक ली है, मैंने वीडियोज़ में देखी थी, तो ये है झालर बेसिकली, तो मुझे अच्छी लगी तो मैं इसलिए ये ले ली। और ये है स्लीव्स, ये क्रैम्पून्स है, जैसे आइस में अगर हम चलते हैं तो उसके लिए है, ये जूते के ऊपर आ जाएंगे आराम से, और फिर आराम से चल लेंगे हम, 5 से लेकर 12 नंबर तक कंफर्टेबल आ जाता है ये ठीक है। इसका प्राइस है 750। 750। सो गैस स्टोव भी है इनके पास, तो ये नई पीस आया है ठीक है, अभी अभी आया है, इससे पहले नहीं देखा होगा आपने किसी भी वीडियो में, और किसी कैंप वालों को यूज़ करते नहीं देखा होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये फ्लावर की तरह खुलता है, ये बेसिकली पूरा फ्लावर की तरह खुलता है, खोल के दिखा दे भाई, नीचे रख के रख दे नीचे। सो बेसिकली ये क्या है, हीट अगर ज़्यादा हो, मतलब अगर हवा चल रही हो, तो ये नीचे से कवर, फ्लावर की तरह कवर हो जाएगा, जितना बर्तन होगा उतना ऊपर आ जाएगा, जैसे इधर बर्तन आ गया और साइडों से हवा नहीं लगेगी आराम से, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी है। कितने का ये? ये 1300 रुपये का। दूसरा वाला कितने का, जो नॉर्मल आता है? 600 रुपये का। 600 रुपये का, तो उसका कवर भी आता अलग से लेना पड़ता है, फिर वो जगह भी गिरता, और तो ये एक साथ ही रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है। खैर ये हमारे पास है द्वित्य भाई के पास, तो उसके उनसे यूज़ कर लेंगे। सो ये एक बॉटल है, ये पूरी इजी टू यूज़ है, 5 लीटर की बॉटल है, इसमें लिक्विड चीज कुछ भी डाल सकते हो, पानी, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, पानी, पेट्रोल कुछ भी डाल सकते हो, 5 लीटर तक ये कैरी कर लेगा आराम से। और यार देख सकते हो हमारे पास टैंक बैग भी है। ये क्या है, ये कितने का है? ये 300 रुपये स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, ये ठीक है, सही है। सॉक्स है, मैट है, जी क्या साइड पाउच है हमारे पास, ठीक है, ये भी है। सो इन शॉर्ट वैरायटी बहुत है, अगर आपको कैंपिंग करनी है या आप ट्रैवल करते हो मेरे तरह, तो आप यहाँ पे आके सामान ले सकते हो, मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नंबर भी डाल दूंगा इनका, ताकि आप इजीली आ सकते। सो ये रही शॉप पूरी विनायका सेल, और अपना सामान सारा पैक हो चुका है यहाँ पर, अंकल जी ने सारा सामान पैक कर दिया है। नमस्कार, अंकल जी ने हमारे लिए बहुत सही हेल्प कर दी, सारा सामान हमें यहाँ पे मिल गया जो हमें लेके जाना है लेह लद्दाख। और अंकल, हमारी दुकान का नाम विनायका सेल्स है, ये शास्त्री नगर दिल्ली बाउंड में पड़ता है, मेट्रो मेट्रो की रेड लाइन के ऊपर, नज़दीक मेट्रो स्टेशन सरायरोला है, और नज़दीक स्टेशन सरायरोला है, नज़दीक मेट्रो स्टेशन इंद्रलोक है। और हमारी दुकान का खुलने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है। इसके अलावा भी अगर कभी आपको कोई मजबूरी या कोई परेशानी है तो आप हमारे को फ़ोन करो, टाइम से बिफोर आए या टाइम के बाद भी आए तो हम आपको बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। और 7 डेज हमारी दुकान ओपन है, अगर आप हमारी दुकान पे आके ले सकते हो तो
आके लो, अगर आपको आने का टाइम नहीं है तो हमारे पास कोरियर की फैसिलिटी है और लोकल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के अंदर हम क्वार्टर से एक से डेढ़ घंटे में आपके जो एड्रेस आप बोलोगे उस एड्रेस पे हम भिजवा देंगे। तो मैं अंकल का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भैया की वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, भैया पर और हमारे पे प्यार और आशीर्वाद बनाए। गाइस हम एक और जगह जा रहे हैं, यहाँ से करोल बाग के पास ही है, तो करोल बाग जा रहे हैं। करोल बाग से थोड़ा अपन को बाइक का सामान लेना था, वो लेंगे और फिर निकलेंगे आगे घर के लिए, और फिर हम तैयार हैं जाने के लिए कहीं के लिए भी। और वैसे रेट तो ज़्यादा उनके महंगे हैं नहीं बाकी जगहों से अगर आप देखोगे तो। मेरे दोस्त ने 2,000 रुपये में दो जनों का टेंट लिया था ऋषिकेश से, यही वाला, और मुझे यहाँ पर ये टेंट 1,800 रुपये का पड़ा चार जनों का, तो सस्ता ही पड़ा लगभग, तो मेरे को तो ज़्यादा बढ़िया लगा ये चीज़। और यार पता है क्या है, टेंट से ना बहुत पैसे बच जाते हैं और प्लस हम एक्सप्लोर भी ज़्यादा कर पाते हैं, रॉ जगह भी एक्सप्लोर कर लेते हैं टेंट से। सो गाइस हम आए हुए थे इस वक्त करोल बाग, और करोल बाग में हमने सामान लिया कुछ बाइकिंग से रिलेटेड, क्योंकि लद्दाख जा रहे हैं तो बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक का सामान तो लेना बहुत ज़रूरी था। आपके पास क्या क्या मिल जाएगा? राइडिंग जैकेट्स मिल जाएंगी और हेलमेट मिल जाते हैं, हेलमेट्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर भी मिलते हैं। इंडिकेटर्स कौन से रहेंगे? इंडिकेटर जो है एटीएम के भी हैं और कई क्वालिटी के मिल जाते हैं। क्या रेंज से स्टार्टिंग है? 80 रुपये का सेट है, 250 रुपये, 250 का भी है, 350 का भी है। सो 80 रुपये से स्टार्टिंग है और उसके बाद ऊपर है, ठीक है। और बाकी क्या क्या मिल जाएगा? लाइट्स मिल जाएंगी, बेसिकली लाइट भी मिल जाएगी, फॉग लाइट्स मिल जाएंगे, हैवी लाइट्स। और लाइट लाइट्स कितने से रेंज है? 250 से स्टार्ट है, 250 से स्टार्ट है, 4500 तक जो है अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। और इसके अलावा ग्लव्स मिल जाएंगे, मोबाइल होल्डर भी मिल जाते हैं, ग्लव्स मिलते हैं, वाटर प्रूफ ग्लव्स भी होंगे आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ जो है ग्लव्स 600 से स्टार्टिंग, वाटर प्रूफ की 650 से स्टार्टिंग है, और नॉर्मल 300 से। और जैकेट? नॉर्मल जैकेट 2,800 से स्टार्ट है हमारे पास, लेवल 1 वाली, और लेवल 2 वार्ड वाली जो है 5,800 और 6,200 के आसपास तक जाती है। सो एल्बो गार्ड्स मिल जाएंगे, एल्बो नी गार्ड पूरे जो है, एल्बो और नी का पूरा सेट, एल्बो एंड नी, 850 का है और नॉर्मल वाला 350 का है, 850 और 350 का, हाँ जी, ठीक है। ये हैवी मटेरियल है, मतलब थोड़ा स्टील में आता है, ठीक है, सेफ्टी ज़्यादा है। इससे जो ऊपर है वो 1,450 रुपये का है, स्काई ब्लू वाला लगा हुआ है। ओके, नी का है और ये तो एल्बो का है, ठीक है, नी और एल्बो का, ये एल्बो के हैं दो नी के, पूरा सेट है, पूरा सेट। तो ये तो बेसिकली नीचे नीचे कहते हैं ना, हाँ जी, ये नी के, ये हैवी मटेरियल बल्कि इनसे भी नहीं, इससे जो लाइट वेट में है, अच्छा, स्टील में आता है इसलिए थोड़ा मतलब अच्छा, ठीक है, अच्छा अच्छा। बस बाइक से रिलेटेड आपको सारा सामान मिल जाएगा, जैसे कि की रिंग्स भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारी यहाँ पे, अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी की रिंग्स हैं, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, और एक बार आप आके विजिट कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ। गाइस अपन निकल चुके हैं घर के तरफ, और लोकेशन मैंने यहाँ की भी डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, बहुत आराम से पहुँच सकते हो, और नंबर भी डाल दूंगा उनका डिस्क्रिप्शन में, ईजिली आप जा सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना आए। और लेट मी टेल यू, सामान बहुत अच्छा है बाइक्स का इनके पास, बहुत अच्छा स्टफ़ है सारा। मेरा जो फेस मास्क है ना वो टूट गया था कल परसों ही, तो मैंने नया फेस मास्क लिया यहाँ से, और स्लीव्स भी हैं बाइक की जो साइड में पहनते हैं अपन, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी मुझे तो मैंने ले ली। अब चल रहे हैं अपन आगे घर के तरफ आराम से, मस्त मज़े मारते हुए। ऐसे अपन पूरे तैयार हो चुके हैं लद्दाख ट्रिप जाने के लिए, क्योंकि लगभग सारा ही सामान ले लिया है, और कुछ छोटा मोटा होगा तो रास्ते से लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सच। अपन ने सारी चीज़ ले ली है, कैंप वैम्प A to Z सारी चीज़ अपने पास, कैंप भी यूथ साइज़ का है, कल वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत कैंप जो है वो बहुत बड़ा है, कल वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं, तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का ले लिया, 200 रुपये का फ़र्क था यार, मतलब कि मैं क्या ही छोटा लेता फिर 200 रुपये बचा के क्या करता। कल को अगर मन किया तो तीन जनों को भी सोने का मन किया, दो दोस्त और भी आ गए, और कहीं का मन किया कहीं जाके रुकने का या कुछ करने का आगरा रहते हुए, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने बड़े साइज का ही कैंप ले लिया। टन 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 टा चलती है कि 9:12 लेट हो गया भाई, चल लेता अगर आधे घंटे पहले पूछता तो, और थोड़ा लेट हो गया, 9:22 तो यहीं होगा, तो मूवी तो 20 मिनट के लिए कर गई, तो कैसे जाएंगे नेक्स्ट टाइम। आ गए अपने घर मजे से आ गई।
सो यहाँ पे आ चुका अपना फलूदा और खाना वाना खा लिया, मस्त आराम कर लिया, अपना घर पहुँच गया। सो गाइज, हमने खो दिया था अपना बैटरी बैकअप, खो क्या दिया था, मनिया ने छुपा दिया था, मजाक कर रहे थे, परेशान कर रहे थे मुझे, जैसे कि उनको आदत है करने की। ठीक है, अभी अभी मिला वापस और खोल के देखते हैं क्या था इसके अंदर, बैटरी बैकअप आया है कि नहीं आया। वैसे तो बैटरी बैकअप ही मंगाया था, सो वैसे हम कल भी खोल सकते थे इसे, लेकिन कल अपन को इसे चार्ज करके यूज़ करना है, तो टेंट दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी बैटरी बैकअप की, तो इसलिए अभी खोल दे रहे हैं। तो मंगाया था हमने बैटरी बैकअप, और पैकिंग बड़ी अच्छी है इसकी। सो ये है बैटरी बैकअप जो हमने मंगाया, 10,000 mAh का है। ठीक, सो ये बैटरी बैकअप जो है वो बहुत चीप मिला हमें, और ये पावर चार्जिंग वाला है। ठीक है, और 6 months की वारंटी है, सिर्फ 500 रुपये का आया है। इसको खोलने के लिए और ये आ गया अपना बैटरी बैकअप जो हमारे को कल यूज में आएगा। कुछ चीजें जला के दिखाऊंगा मैं इससे कल वाले वीडियो में, वो आप जरूर देखना। और वैसे तो चार्ज है ये, मैंने ऐसे इसलिए निकाला था थोड़ी चार्ज कर लूँ और कल यूज़ करना था ऐसे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपको आज ही दिख गया इस वीडियो के अंदर ही ये। बोलो ना, ये शैतान बच्चा हमारे साथ क्यों बैठा है? मामू, मामू आप क्या कर रहे हो? मामू बुन्नूर क्या कर रही है? हेलो व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? बंदर क्या हो रहा है? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, उतना प्यार क्यों आ रहा है? बुक्कर क्या रही है पीछे? क्या गिर ना जाए? अश्नूर गिर जाएगी और फिर करेगी। बंदर बंदर है, बंदर मामा। और रात को एनर्जी आ चुकी है, टाइम हो रहा है इस वक्त 12:45, और अभी ये ड्रामा 1 बजे तक तो चलना ही चलना है। 2 बजे तक, कल तो 3 बजे तक चला था कल। मम्मी आवाज लगा रही थी बार बार, सुना नहीं था ना? लॉकडाउन में नानी ने बना के दिया। 12 बज चुके हैं भाई, इसने और उसने तो सोना नहीं है। सवेरे 6 बजे के पहले हो गया, अभी सोने नहीं देंगे। हो गया, थोड़ी देर बाद चले चलना पड़ेगा। हमें कोई शांति नहीं मिला। हुआ नहीं, हो पाया, इसने तो सोना नहीं है। मैं ही सो लेता हूँ भाई और वीडियो एंड कर देता हूँ। अरे यार वीडियो एंड कर लें दो, एक सेकंड यार। पूरा दिन रात को एडिटिंग करते हैं, 4 बजे तक उठे रहते हैं। बेटा ऐसे ही होता है, रात में एडिटिंग करनी पड़ती है। तो आप कह रहे सो जाते हैं? हाँ हाँ, एडिटिंग करके सो जाता हूँ। ठीक है, 4 बजे के बाद सोते हैं तो 4 बजे बाद एडिटिंग करके सो जाऊंगा। सुबह उठ जाऊंगा। सो गाइस, सबसे लेट उठते हैं ये पूरे घर, लास्ट पर्सन टू वेक इन द होल हाउस। कोई बात नहीं, सो गाइस इसकी बातें तो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर कभी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, और टिल देन थैंक यू। और गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।